नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा। आप देख रहे हैं रॉयल एक्सप्रेस न्यूज। और चलिए अब बढ़ते हैं आगे और एक नजर डालते हैं मुंबई की इस खबर पर। मुंडा सरोज जी है, आप सभी स्टेट पर है। सुमन सिंह जी कट्टोमेल स्टेट, प्रसाद जी, अंकित शर्मा जी, लक्ष्मी भगत है, पारंपरिक कार्यक्रम था। और किस प्रकार से आपने देखा कि बहुत लोगों का सम्मान किया, क्या कहेंगे आप? बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि उत्तर भारतीय समाज मेरे विधानसभा में बहुत सारा है और उनका आशीर्वाद हमें हमेशा मिलता आ रहा है, आगे भी मिलता रहे, सहयोग भी मिलता रहे, इसलिए हम हमेशा प्रोग्राम रखते ही है। लेकिन इस बार सीनियर सिटीजन्स को हमने बुलाया था, महिलाओं को बुलाया था और उनका सत्कार खास तौर पर हमने किया था और पारंपरिक डिश यहाँ पे रखी थी, कजरी महोत्सव रखा था ताकि सब लोग इसका आनंद ले सकेंगे और उनका आशीर्वाद हमें मिले। क्या कहेंगे यहाँ के आयोजक जो है कमेटी के बारे में, जो उनके कार्यकर्ता के बारे में क्या कहें जो इस आयोजन को सफल बनाया हो? सारे कार्यकर्ताओं ने सफल बनाया है, रवि गुप्ता है, विजय पाठक है, हमारे बाकी सारे टीम है, इन लोगों ने बहुत मेहनत की है और बहुत सारा काम किया है, ये टीम वर्क होता है और लोग भी काफी खुश हुए हैं और मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। वर्षों विधानसभा की बात किया तो महिलाओं पे जो है बहुत ही विशेष आपने ध्यान दिया है और आपने जो है एक रिकॉर्ड कायम किया है कि मुंबई में देखा जाए तो महिलाओं से जुड़ा सारा आपने काम किया। आगे क्या और तैयारी है महिलाओं के लिए? चाहे मैं आप बात मैं बोलने जाऊँगा तो मेरे कम समय ये है शब्द है, तो क्या क्या प्लानिंग चल रही है आपकी? और मैं एक स्त्री हूँ तो स्त्रियों के बारे में तो मैं सोचूंगी ज़्यादा, उन्हें ही अग्रस्थान में रखते हुए मैंने काम किया है और आगे भी बहुत सारा काम करना है। डेवलपमेंट के वर्क तो बहुत ही हुए हैं और महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, सीनियर सिटीजन्स के लिए भी करने की कोशिश मैंने की है। इस कार्यक्रम के जो हमारे आयोजक हैं माननीय आमदार डॉक्टर भारती देव अग्रवाल जी, उन्होंने एक आदेश किया हम क्योंकि आप लोगों को ये प्रोग्राम करना है और इस उत्तर भारतीयों के लिए करना है, तो मैडम ने पूरा आयोजन किया है, हमने सिर्फ उसकी देखरेख किया है। और लवेकर मैडम के बारे में बोलना चाहो तो जितना बोलो उतना कम है क्योंकि 5 साल में हमने खुद काम देखा, हम आश्चर्यचकित है। जब मैं भारतीय जनता पार्टी में जब शामिल हुआ तो मुझे ये सब जानकारी नहीं थी कि ऐसा काम होता है। मतलब जब मैडम के साथ में मैं जुड़ा और हम जब लाइन से काम ही होते गए और एक से एक आज पूरे वर्षों विधानसभा में आप जाओगे तो कोई गली नहीं बची होगी लगभग। देखिए
जो थोड़ी बहुत कहीं बच भी गई होगी, तो इस 5 साल में रिकॉर्ड तोड़ जो मैडम ने काम किया है पिछले 20 सालों में, जो हमारे जो पुराने विधायक थे उनसे कई गुना काम किया 5 सालों में, उन्होंने जितना 20 साल में काम नहीं किया उससे कई गुना 5 सालों में काम किया है। तो भारतीय जनता लवेकर जी के आमदार जो हमारी उनका बहुत बहुत धन्यवाद है, यहाँ की जनता ने बहुत बहुत उनका धन्यवाद किया है, और खासकर उत्तर भारतीय जो हमारा उत्तर भारतीय समाज है जो आज कजरी का कार्यक्रम देखने आया है, तो उत्तर भारतीय समाज भारतीय जनता पार्टी से पहले से जुड़ा है, और इन 5 सालों में उत्तर भारतीय समाज जो बचे खुचे जो उत्तर भारतीय समाज के थे उन भारतीय लवेकर मैडम के काम को देख के उन्होंने उनसे जुड़ने का प्रण ले लिया है और हमेशा उनके साथ जुड़े रहेंगे। धन्यवाद। कैसा लग रहा है आपको कि आपका जो कार्यक्रम था इतना सफल हुआ कि इतने लोग आए? मैंने देखा कि करीबन 1 घंटे तक सत्कार चलता रहा लोगों का, मैडम ने क्या क्या कहेंगे? देखिए, हम अपने गुरु की जितनी तारीफ की जाए ना उतनी कम होती है। इस कार्यक्रम को सफल बनाने में हमें हमारे मार्गदर्शक हमारे आमदार डॉक्टर भारती तालवेकर जी का बहुत सहयोग रहता है। कार्यक्रम भी सफल जब होता है जब मार्गदर्शक का भी मतलब कुछ उस केपेबल हो। तो मैडम ने जो हम लोगों को ये कार्यक्रम करने का आदेश दिया, और सबसे पहले मैं उनका इसलिए धन्यवाद हूँ, मैं भी एक उत्तर भारतीय हूँ, मैडम महाराष्ट्र होते हुए भी हमें ऐसा कभी एहसास नहीं होने दिया कि वो उत्तर भारतीयों से मतलब, जैसे लोग कहते हैं ना कि उत्तर भारतीयों को सम्मान नहीं मिलता, उत्तर भारतीयों को मान सम्मान नहीं दिया जाता, मराठी लोगों को ध्यान नहीं देते, ऐसा यहाँ कभी नहीं हुआ। एक मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि वो भी एक उत्तर भारतीय है। कुछ दिन पहले ही मेरी उनसे बातचीत हो रही थी कि तो उन्होंने कहा कि ये लिट्टी चोखा का कार्यक्रम, क्योंकि हम लोग को जो सीएम साहब के साथ संवाद वाला जो कार्यक्रम हुआ था मैडम साथ में वहाँ गए थे, तो उन्होंने कहा कि नहीं ये लिट्टी चोखा उन्हें भी बहुत अच्छा लगा, बोले कि ये उत्तर भारतीय का जो कार्यक्रम और जो प्रिय भोजन जो हम लोगों का सांस्कृतिक जो हम लोगों को जोड़ता है हमारे संस्कार को, तो उन्होंने खुद ही कहा कि नहीं ये बहुत अच्छा है और इसे हमें जगह जगह हर वार्ड में करना चाहिए। ये कहीं ना कहीं हम थोड़ा सा चूक गए, लेकिन फिर भी हम पूरी कोशिश करेंगे कि हर वार्ड में हर जगह हर उत्तर भारतीयों के लिए जितना हो सके उतना करेंगे, इससे बढ़कर करेंगे, और इस चीज़ को सफल बनाने में हमारे आमदार जी का बहुत सहयोग रहता है। इसके लिए मैं एक उत्तर भारतीय होने के नाते उनका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। धन्यवाद। अगर सहयोग ने छोड़ दिया था वो मैडम करती थी। आज जो बड़े बड़े ब्रिज का काम है, रोड का काम है, हमारे यहाँ जो एक बहुत तालाब है, आप लोखंडवाला पीछे जाएंगे, बहुत बड़ा झील है, एक लेक है, उसका जो काम चल रहा है उसका रिजल्ट अगले 2 साल में आ जाएगा, 1 साल के अंदर ही आ जाएगा। इतना ज़्यादा पूरा वर्सोवा विधानसभा मुंबई में नंबर 1 पर पहुँचेगी, लेक का और जो ब्रिजों का काम, जो रोड का काम चल रहा है, और पूरी तरह से एक तरह से जितने भी काम जो बचे हुए थे पहले का जो काम बचे हुए थे वो तो किया ही किया है, आगे भी इतना काम कर दिया मैडम ने कि शायद दूसरे इनको अगले 5 वर्षों में काम ढूंढना पड़ेगा मैडम को कि अभी क्या क्या बचा है बताओ हमको और क्या करना है। इतना काम कर दिया है, और ये आप लोग निश्चिंत रहिए कि मैडम इस बार तो भारी बहुमत से जीतेंगी, लोगों को जमानत जब्त होगी, और उसके बाद जो चुनाव आएगा ना कोई हिम्मत नहीं करे खड़े होने का, हमको लगता था निर्विरोध जीतेंगी। और दूसरे दो शब्द जो है उत्तर भारतीयों के बारे में बोलते हैं, हम भी उत्तर भारतीय हैं, उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, उत्तर भारतीय का हमेशा मैडम ने मान सम्मान किया, सबको आगे करके रखा, कभी भी हम लोगों के महसूस नहीं हुआ कि हम उत्तर भारतीय, हम लोग सबसे आगे करके रखा, सब जगह मान सम्मान दिया, और 2014 में चुनाव में उत्तर भारतीयों ने दिल खोल करके वोट दिया, और हम चाहते हैं 2019 में उसका डबल वोट दें, लोग जो भी बचे खुचे हैं जो गांव में हैं उनको बुला करके जिसका भी वोट है वो दिलाएं। और उत्तर भारतीय क्या है कि यहाँ पे भी पूरा मुंबई में हमारा एक बहुत पहले आर्टिकल छपा था, हम लेखक हैं पत्रकार हैं, उत्तर से आए मुंबई में छाए। उत्तर में माननीय आमदार डॉक्टर भारतीय लवेकर जी का धन्यवाद करूंगी जो उन्होंने हमें प्रोत्साहन दिया ये कार्यक्रम करने का, और आज उनके ही दिखाए रास्ते पे हम लोग चल रहे हैं, और उनका तो हम कभी उनको कुछ बोल ही नहीं सकते कि कौन सा हमारा ऐसा काम नहीं किए हैं, और आज जो कार्यक्रम उन्होंने कहा उत्तर भारतीयों का जो सांस्कृतिक कार्यक्रम है कजरी और लिट्टी चोखा, उनका बहुत बहुत धन्यवाद कि आज वो हमारी संस्कृति को जिंदा रखी हैं और लोगों को उत्तर भारतीयों को ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ जोड़ी हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। मैं लखनऊ से हूँ और 20 साल पहले मैं बम्बई शिफ्ट हुआ था, मगर सही मायने में मुझको मुंबई ने अपनाया जब भारतीय ताई लावेकर के साथ हम आए, मैं शक्ति प्रमुख हूँ अपने एरिया का, तो ताई के साथ आने के बाद सही तरीके से मुंबई ने एक
राजन निगम नाम के उत्तर भारतीय को भी अपनाया। प्रोग्राम बहुत अच्छा है और भारतीय ताई का अपना एक तरीका है सबसे मिलने का, सबको मिलने का, सबको जोड़ के चलने का। तो आज इस प्रोग्राम के, इस कार्यक्रम के माध्यम से सारे उत्तर भारतीयों को एक साथ भारतीय ताई ने जोड़ा है, जो कि हमेशा ही किया है। तो एक अपने आप में एक शक्ति उत्तर भारत मैडम के साथ है, हमारा सहयोग पूरा मैम के साथ है रहेगा। मैं उत्तर भारतीय हूँ और जेएमबी में रहता हूँ, जेएमबी का सेक्रेटरी हूँ। 200 घर बेघर हो रहे थे, ट्रांजिस्ट कैंप जो टूट रहा था, लोग तुड़वा रहे थे, उससे बचाया गया। और जेएमबी में लादी, लाइट, पानी, सारी व्यवस्था इनके मतलब मैडम के माध्यम से हुआ, जो आमदार हैं हमारे यहाँ के, भारतीय ताई लभेकर जी। तो हम लोगों का बहुत सपोर्ट किए हैं और हम टोटल 555 घर संकल्प लिए हैं कि हम लोग वोट इनको देंगे, भाजपा को देंगे, इनको जिताएंगे। इनका कार्यक्रम अच्छा है, घर घर जाती हैं, सबको सम्मान बराबर देती हैं। अगर उत्तर भारतीयों का कहीं सम्मान है तो भारतीय ताई लभेकर आमदार के यहाँ है, बाकी किसी नेता के यहाँ नहीं है या किसी पार्टी में नहीं है। तो हम लोग एक बहुत खुश हैं और कार्यक्रम में हम लोग हाई फाई से आए हैं और वोट इनको भारी संख्या में दे के इनको जिताएंगे।